नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। विदिशा से गंजबासौदा के त्योदा क्षेत्र में बने दान मणि डैम में रिसाव की खबर मिलने के बाद प्रशासन सकते में है। सिंचाई विभाग के भोपाल से विदिशा के अनेकों आला अधिकारी वहां पहुंचकर उसका निरीक्षण कर चुके हैं। वहां मजदूरों से काम कराया जा रहा है। यह डैम वर्ष 2008-09 में बना था। इसमें पिछले बार भी ऐसा हुआ था। प्रशासन डैम पर निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन धार के डैम के बाद की घटना के बाद जिला प्रशासन के मुखिया इसे बहुत तूल देने की बात से बचते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि धार के डैम में रिसाव के बाद बाढ़ बारिश के दौरान इस प्रकार की घटना निश्चित ही चिंता का विषय है, और इस बाबत जब कलेक्टर से बात की तब उनका कहना है कि हाँ, डैम में थोड़ा सा रिसाव है, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस प्रकार के डैम आर्थन डैम कहलाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत ऐसा होता है, चिंता की कोई बात नहीं है और अफवाह से बचना चाहिए। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। ये जो डैम है त्योंदा में दानमढ़ी डैम, ये जो मुझे बताया गया है सिंचाई विभाग के द्वारा, ये 8-9 में बनाया गया था। मेरे SDM सभी लोग उसको देख भी आए हैं। ये अर्धन डैम है, और अर्धन डैम में थोड़ा बहुत रिसाव जिस तरह से होता है सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। एक जगह से हल्का सा पानी निकल रहा था। ये एक्चुअली पिछले साल भी थोड़ा सा पानी यहाँ पर निकला था, इस बार भी निकल रहा है वहाँ पर। ये बेसिकली एक इन्वर्टेड फिल्टर है, जिसको बोला जाता है तकनीकी भाषा में इन्वर्टेड फिल्टर है। कल उनके चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, इरीगेशन के SC साहब भी आए थे, और उसकी लोडिंग भी उन्होंने की हुई है। वहाँ खतरे की कोई भी बात नहीं है, ये मात्र अफवाह है। सिंपल जो अर्धन डैम है उससे सिंपल सीपेज है, इससे डैम फूटने या उसका किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और हम इरिगेशन विभाग की और हमारी सबकी नज़र इसके ऊपर।